नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहाँ पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। वही हाई कोर्ट के इस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई थी। और बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित उम्मीदवारों की नई सूची बनाने के लिए कहा गया था। कहा गया था कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण प्रक्रिया को सही से लागू नहीं किया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर याचिका दाखिल कर दी गई है और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के नोटिस जारी कर दिया है और पक्षकारों से लिखित दलीलें देने के लिए भी कहा है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से ये भी कहा है कि पक्षकार अपनी दलीलें 7 पेज से ज़्यादा में नहीं रखेंगे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी शिक्षक भर्ती के लिए चयनित उम्मीदवारों की नई सूची बनाने को कहा था और कहा था कि इस नई सूची में आरक्षण के नियम का पालन किया जाए। इससे सामान्य वर्ग की चयनित उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति नई सूची से बाहर निकाले जाने का डर था। इस मामले में आरक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग दोनों पक्षों के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट आए और अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। इस खबर से जुड़ी आगे की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।